वेलकम बैक स्टूडेंट्स, एक्सरसाइज 8.2 का थर्ड क्वेश्चन देखिए है। इफ टेन ए प्लस बी इक्वल रूट थ्री एंड टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री एंड जीरो इज लेस देन ए प्लस बी इज लेस देन और इक्वल टू 90 डिग्री, ए इज ग्रेटर देन बी, फाइंड ए एंड बी। ए और बी दो एंगल्स हैं जिनकी वैल्यू हमें निकालना है और इस तरह की कंडीशन दे दी गई है। क्या क्या कंडीशन है देखिए, ए प्लस बी की वैल्यू जीरो से बड़ी है लेकिन 90 मैक्सिमम हो सकती है या उससे छोटी है, ए एंगल बड़ा है एंगल बी से। तो ये जो प्रॉपर्टीज दी गई हैं इससे आपको जरा भी कंफ्यूज नहीं होना है। एक्चुअली ए और बी की बड़ी सिंपल सी वैल्यू निकलेगी। यहाँ केवल हमें ये बताया गया है कि ए बड़ा है बी से, साथ साथ ए प्लस बी 90 से बड़ा नहीं होना चाहिए, मैक्सिमम 90 या उससे छोटा ही रहना चाहिए। आइए, हमें मालूम है, दिया गया है कि टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री और अब टेन की जो वैल्यूज हैं स्पेसिफिक एंगल्स के लिए मैंने ये टेबल भी बना रखी है। टेन जीरो की वैल्यू जीरो है, टेन थर्टी की वैल्यू वन अपॉन रूट थ्री है, टेन फोर्टी फाइव की वैल्यू वन है और टेन सिक्सटी की वैल्यू है अंडर रूट थ्री। अगर टेन ए प्लस बी इक्वल टू रूट थ्री है तो हम इसको लिख सकते हैं टेन ए प्लस बी इक्वल टू टेन सिक्सटी, ऐसा हम लिख सकते हैं। अब हम इन दोनों एंगल्स को अगर कंपेयर कर लें, याद रखिए हम 10 से 10 को काट नहीं सकते हैं, एकदम अनर्थ हो जाएगा, 10 से 10 कभी भी नहीं कटेगा। हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे और कह देंगे बाय कंपेयरिंग द एंगल्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड्स हमने एंगल्स कंपेयर किए हैं, हमें मिलेगा ए प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री, दिस इज इक्वेशन नंबर वन। सेकेंड कंडीशन क्या दी है, टेन ए माइनस बी इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री, दिस इज ऑल्सो गिवन टेन ए माइनस बी इज इक्वल टू वन अपॉन रूट थ्री और टेन की टेबल में आप देखिए वन अपॉन रूट थ्री है टेन थर्टी की वैल्यू, तो वन अपॉन रूट थ्री की जगह हम टेन थर्टी लिख सकते हैं। हम लिख देंगे टेन ए माइनस बी इक्वल टू टेन थर्टी एंड बाई कंपेयरिंग द एंगल्स, यहां पर भी हम एंगल्स को कंपेयर करेंगे, बाई कंपेयरिंग द एंगल्स ऑन बोथ साइड्स, दोनों ओर के एंगल्स हमें कंपेयर करना है, हमें मिलेगा वी गेट ए माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अब ये हमारी क्वेश्चन नंबर टू हो गई। हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स पढ़ चुके हैं। ये लिखा हुआ है x प्लस वाई इक्वल टू 60 डिग्री एंड x माइनस वाई इक्वल टू 30 डिग्री। इन दोनों इक्वेशंस को हम किसी भी तरह से सॉल्व कर सकते हैं, हम एलिमिनेशन मेथड भी लगा सकते हैं, सब्स्टिट्यूशन मेथड भी लगा सकते हैं। तो आइए हम इनको एलिमिनेट किए देते हैं। हमारे पास है a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री एंड a माइनस बी इक्वल टू 30 डिग्री। अगर हम इन दोनों को जोड़ेंगे तो b एलिमिनेट हो जाएगा। आइए एड कर दें, एडिंग एड करने पे b एलिमिनेट हो गया, हमें मिला 2a इक्वल टू 90 एंड a इक्वल टू 45 डिग्री। a की वैल्यू इन दोनों में से किसी भी इक्वेशन में रख दें, a प्लस बी इक्वल टू 60 डिग्री है, a की जगह हमने 45 लिख दिया, 45 b इक्वल टू 60, तो b इक्वल टू 15 डिग्री हमें यहाँ से वैल्यू मिल जाएगी। अब आप कंडीशन को सेटिस्फाई कराइए। पहली कंडीशन a प्लस बी इक्वल टू निकल रहा था 60, 45 में 15 जोड़ेंगे 60 आ जाएगा, a माइनस बी दोनों का डिफरेंस आ रहा है 30, 45 में 15 को सब्ट्रैक्ट करेंगे 30 आ जाएगा। फिर जो यहाँ पे कंडीशन दी थी कि a प्लस बी की वैल्यू 0 से बड़ी होगी और 90 के बराबर या उससे छोटी होगी, हमारी a प्लस बी की वैल्यू कितनी आ रही 60 डिग्री, a इज ग्रेटर देन बी, एंगल a b से बड़ा है, तो सारी सिचुएशंस सारी कंडीशंस यहाँ पे सेटिस्फाई हो रही हैं। इट मींस हमारा आंसर करेक्ट है, एंगल a है 45 डिग्री और एंगल b है 15 डिग्री। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है स्टेट वेदर द गिवन स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स एंड जस्टिफाई योर आंसर। फर्स्ट स्टेटमेंट है साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, क्या ये ट्रू है या फॉल्स है? देखिए, हम सभी जानते हैं कि साइन ए प्लस बी का मतलब ये नहीं होता है कि साइन इन टू ए प्लस बी, बल्कि ये है ए प्लस बी एंगल का साइन रेशियो। तो साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी कभी भी पॉसिबल नहीं हो सकता है, इसको हम बोलेंगे दिस इज फॉल्स। नेक्स्ट देखिए, सेकेंड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस, साइन थीटा की वैल्यू जैसे थीटा बढ़ेगा साइन थीटा की वैल्यू भी बढ़ेगी, यानी साइन जीरो की वैल्यू, साइन थर्टी की वैल्यू, 45, 60, ये वैल्यू जैसे जैसे ऊपर जाएगी थीटा की वैसे ही साइन की वैल्यू भी बढ़ना चाहिए। देखिए हमारे पास टेबल सामने है, साइन जीरो की वैल्यू होती है जीरो, साइन थर्टी की वैल्यू 1/2, 45 की वैल्यू 1/√2,
60 वैल्यू रूट 3/2 एंड 90 वैल्यू 1। तो हम देख सकते हैं इस टेबल के अकॉर्डिंग कि साइन थीटा की वैल्यू बढ़ रही है जैसे जैसे थीटा बढ़ता जा रहा है, तो इसको हम बता देंगे यस दिस इज ट्रू। नेक्स्ट थर्ड स्टेटमेंट है द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेज एज थीटा इंक्रीजेज। देखिए अगर साइन थीटा इंक्रीज हो रहा तो कॉस डिक्रीज होगा, क्योंकि जो वैल्यू साइन 90 की होती है वही वैल्यू कॉस 0 की होती है। तो कॉस 0 की वैल्यू तो 1 है, कॉस 30 की वैल्यू एंगल बढ़ा वैल्यू कम हो गई 1 से रूट 3/2 हो गई। फिर कॉस 45 एंगल बढ़ा वैल्यू और कम होगी 1/√2 और जैसे कॉस 90 पहुंचे तो वैल्यू सबसे कम हो गई 0। इसका मतलब कि ये स्टेटमेंट द वैल्यू ऑफ कॉस थीटा इंक्रीजेस एज थीटा इंक्रीजेस ये फॉल्स होगा। नेक्स्ट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। थीटा की हर एक वैल्यू के लिए क्या साइन थीटा और कॉस थीटा बराबर हो सकते हैं? ये पॉसिबल नहीं है। देखिए हम कर सकते हैं साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा और कॉस को यहां दोनों ओर डिवाइड कर दें अगर तो हमें मिल जाएगा टेन थीटा इक्वल टू 1 विच इज इक्वल टू 10/45 और हम कंपेयर करके थीटा की वैल्यू 45 निकाल सकते हैं। या हम इस टेबल में भी देख सकते हैं कि 10/45 की वैल्यू 1 है जबकि साइन 45 और कॉस 45 की वैल्यू है इक्वल। साइन 45 की वैल्यू 1/√2 है, कॉस 45 की वैल्यू 1/√2 है। इसका मतलब सिर्फ 45 एंगल है ऐसा जिसके लिए साइन और कोसाइन का रेशियो सेम है, जबकि ये स्टेटमेंट है साइन थीटा इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। यहाँ पे फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा लिखा है जो कि गलत है। इसका मतलब है कि ये स्टेटमेंट फॉल्स हम कहेंगे। नेक्स्ट है cot a is not defined for a equal to 0। tan 0 की वैल्यू क्या होती है? देखिए tan 0 की वैल्यू होती है 0 और cot 0 की वैल्यू होगी 1/tan 0 और 1/tan 0 का मतलब है कि cot 0 की वैल्यू है 1/0 और 1/0 नॉट डिफाइंड होता है। इसका मतलब cot a is not defined for a equal to 0 ये स्टेटमेंट ट्रू है। तो इस तरह से आपने देखा पहला स्टेटमेंट फॉल्स है, द वैल्यू ऑफ sin theta increases as theta increases ट्रू है, the value of cos theta increases as theta increases false है, sin theta equal to cos theta for all values of theta false है and cot a is not defined for a equal to 0 ये भी true है। तो इस तरह से हमारी exercise 8.2 complete होती है। next video में हम लोग आगे की exercise solve करेंगे।